सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स के बारे में। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने लोगों को यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डलेंगे और एक किस प्रकार काम करता है, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये क्रीम्स को यूज़ करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और ये क्रीम्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कॉस्मेटिक्स डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम, जो कि हमारे पास 10 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 190 यानी कि 190 रुपये क्रीम इसकी एमआरपी है। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स को हेग्रेन हेग्रे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी यानी कि एचएनएस फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेस कंपनी है और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से क्लोबीटासोल्स, प्रोपियोनोल्स, फुसिडिक एसिड्स एंड क्लोट्राइमाजोल्स क्रीम इसके अंदर डाले गए हैं और इस क्रीम्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके स्ट्रेंथ ऑफ बोर की बात करें तो इसके अंदर जो क्लोबीटासोल्स 0.05% वेट बाय वेट्स प्लस क्लोट्राइमाजोल्स 1% वेट बाय वेट प्लस फुसिडिक एसिड 2% वेट बाय वेट इसके अंदर डाले गए हैं। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल तवसाखा इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स का इस्तेमाल अगर आपको इचिंग्स या खुजली या रशेज टाइप हुआ है या कोई जगन टाइप हुआ है या कोई दाग टाइप हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स को आप अपने अफेक्टेड एरिया में यानी कि इस क्रीम्स को आप ट्वाइस ए डे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सुबह नहाने के बाद अपने अफेक्टेड एरिया पे और रात को सोते वक्त अपने अफेक्टेड एरिया पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस क्रीम्स को यूज़ करने से पहले अपने अफेक्टेड एरिया को कोई मेडिकेटेड साबुन से धोए बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स को केवल अफेक्टेड एरिया पर ही इस्तेमाल करें, यानी कि आपके जहाँ पे दांत खुजली या जख्म टाइप हुआ उसी एरिया पे लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स के अंदर 3 दवाई रहती है यानी कि क्लोबीटासोल्स, प्रोपियोनोल्स, फुसिडिक एसिड्स एंड क्लोट्राइमाजोल्स, जो तवसा का इन्फेक्शन का इलाज करता है। क्लोबीटासोल्स एक स्टोर्स दवाई है जो कुछ केमिकल मैसेंजर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिंस के उत्पादन को रोकता है, जिनके कारण तवसा लाल, तवसा में सूजन और खुजली होती है। क्लोट्राइमाजोल्स एक एंटीफंगल दवाई है जो भंगी के लिए खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोक कर उसे बढ़ने से रोकता है। फुसिडिक एसिड्स एक एंटीबायोटिक्स दवाई है, यह बैक्टीरिया में महत्वपूर्ण जैविक कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीनों के संश्लेषण को अवरुद्ध कर बैक्टीरियल वृद्धि को रोकता है। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आई डी है वहाँ पर बताएं। प्रोपीड्रम एनएफ क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।